हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता, जिसका आज अंतिम क्लास है। देखिए, आज हम दो टॉपिक करेंगे, चैप्टर 18 यानी अध्याय 18 जिसमें हम आबादी एवं दखल रहित भूमि को पढ़ेंगे, और अध्याय 19 जिसमें हम आपका प्रकरण मीन्स मिसलेनियस जो इसमें शामिल किया गया है विविध उसको पढ़ेंगे। देखिए अध्याय 18 में बताया गया है आपके आबादी और दखल रहित भूमि के बारे में। आबादी भूमि मैंने आपको बताया था ग्राम भूमि, ग्रामीण क्षेत्र, ग्राम भूमि या आपका आरक्षित क्षेत्र जो निवास के प्रयोजन से नगरीय नगरेतर क्षेत्र होता है। नगरेतर क्षेत्र मतलब नगर से इतर या नगर के अलावा क्षेत्र, ठीक। तो जो आवास के प्रयोजन से सरकार एक भूखंड को लोगों के रहने के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रहने के लिए जो भूखंड प्रोवाइड कराती है, आरक्षित क्षेत्र रहता है जो कि निवास के प्रयोजन से, रहने के उद्देश्य से वो चीज़ होता है, ठीक, वो भूमि होता है। देखिए, तो यहाँ बताया गया है आपके आबादी और दखल रहित भूमि में। देखिए, ये जो आबादी और दखल रहित भूमि क्या होता है, जैसे मान लीजिए सरकार के पास एक 100 एकड़ की खाली भूमि पड़ी हुई है, 100 एकड़ की सरकार के पास एक खाली भूमि पड़ी हुई है, तो उस 100 एकड़ में से 50 एकड़ की भूमि, 100 एकड़ में से 50 एकड़ की भूमि लोगों के निवास के प्रयोजन से, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के निवास के प्रयोजन से 50 एकड़ की भूमि आबादी क्षेत्र में सरकार दे देती है, यानी उस क्षेत्र का उपयोग लोग रहने के उद्देश्य से करेंगे, वो होता है आपकी आबादी भूमि। अब दखल रहित भूमि, तो जो 100 एकड़ के क्षेत्र में से सरकार ने जो 50 एकड़ निवास के प्रयोजन से आबादी के लिए दे दिया है, तो जो बचा हुआ भूमि है वो कहलाएगा आपका दखल रहित भूमि। दखल रहित भूमि मतलब इस भूमि पर सरकार का अधिकार होगा, राज्य सरकार का अधिकार होगा, इस पर कोई भी किसी भी प्रकार से कब्जा नहीं कर सकता, इसे कहा जाता है दखल रहित भूमि। यदि कोई इसमें दखल करता भी है तो उसे बेदखल कर दिया जाएगा तहसीलदार के द्वारा, आगे पढ़ेंगे हम, ठीक। तो यह होता है आपका दखल रहित भूमि, जिस पर सरकार का अधिकार होता है, जिस पर कोई भी अवैध रूप से कब्जा नहीं कर सकता। सरकार ने ऑलरेडी आबादी के लिए कुछ भूमि पहले से दे दिया है, जो बचा हुआ शेष भाग है वो दखल रहित भूमि कहलाता है, उसी के बारे में से बताया गया है। देखिए, धारा 233 में आपके दखल रहित भूमि का अभिलेख होगा, जो प्रत्येक ग्राम के लिए होगा, प्रत्येक ग्राम के लिए एक दखल रहित भूमि का अभिलेख होगा। जैसे कि मैंने बताया, ग्राम क्षेत्र, आरक्षित भूमि या ग्राम, ये सभी के सभी निवास के प्रयोजन से नगरेतर क्षेत्र आबादी क्षेत्र कहलाता है, शेष बचा हुआ भाग आपका दखल रहित क्षेत्र कहलाता है। तो वही बताया गया है कि प्रत्येक ग्राम के लिए, ठीक, प्रत्येक ग्राम के लिए आपका दखल रहित भूमि का अभिलेख होगा। याद रखिएगा, दखल रहित भूमि का अभिलेख किस धारा में बताया गया है, वो है आपका धारा 233 में। नेक्स्ट है आपका धारा 234, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। ये छत्तीसगढ़ में आपका सिविल जज में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, निस्तार पत्रक प्रश्न पूछा गया था कि निस्तार पत्रक कौन तैयार करता है, तहसीलदार तैयार करता है, कलेक्टर तैयार करता है, उपखंड अधिकारी तैयार करता है या पटवारी तैयार करता है। तो याद रखिएगा, ये जो निस्तार पत्रक है, निस्तार पत्रक तैयार करता है आपका तहसीलदार, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। सिविल जज एग्जाम में 2 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो निस्तार पत्रक कौन तैयार करता है, निस्तार पत्रक तैयार करता है आपका तहसीलदार, ठीक। अभी निस्तार पत्रक होता क्या है, दखल रहित भूमि के प्रबंध की स्कीम। जैसे मैंने बताया, 100 एकड़ की भूमि है जिसमें से यहाँ पर आपके लोगों के रहने के लिए यहाँ आवास बने हुए हैं, तो ये जो बची हुई, जो शेष खाली बची हुई भूमि है, ये है आपकी दखल रहित भूमि। तो अब इस दखल रहित भूमि के प्रबंध की स्कीम, ठीक, निस्तार पत्रक क्या होता है, निस्तार पत्रक तैयार करता है तहसीलदार, जिसमें इस बचे हुए दखल रहित भूमि के प्रबंध की स्कीम होती है। प्रबंध की स्कीम मतलब ये जो बचा हुआ, जिसमें राज्य सरकार का अधिकार है, सरकार का अधिकार है, उस बचे हुए भूमि का उपयोग किस प्रकार से किया जाएगा, उसका प्रबंध, उसका मैनेजमेंट किस प्रकार से किया जाएगा, ठीक। अभी आगे पढ़ेंगे, मतलब ये दखल रहित भूमि पर कुछ मात्रा पर आपके ग्रामीणों को उपभोग करने का, उसके उपयोग यूज करने का भी अधिकार दिया जाता है। दखल रहित भूमि के कुछ क्षेत्र जो पूर्णतः प्रतिबंधित होते हैं, जहां पे लोगों के जाने के लिए भी या उस पर किसी प्रकार का कब्जा करना भी पूर्णतः प्रतिबंधित होता है, उसका यूज नहीं कर सकते, आगे देखेंगे। तो इसमें याद रखिएगा, सेक्शन के साथ याद रखिएगा, इस सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, धारा 234 जिसमें बताया गया है आपके निस्तार पत्रक के बारे में। निस्तार पत्रक क्या है, दखल रहित भूमि के स्कीम, प्रबंध की स्कीम है ये, तैयार कौन करता है, उपखंड अधिकारी से तैयार करता है, ठीक। नेक्स्ट धारा 235 जिसमें बताया गया है ये जो दखल रहित भूमि है, ये वाला भाग दखल, ये तो आपके आवास की आबादी भूमि हो गई, ठीक, ये जो बचा हुआ है ये है आपका दखल रहित भूमि, ठीक, दखल रहित भूमि। इस दखल रहित भूमि का ग्रामीणों के उपभोग के संबंधित उपबंध है, मतलब जिस भूमि पे कोई दखल नहीं दे सकता,
जिस पर राज्य सरकार का अधिकार है उस पर ग्रामीणों को भी थोड़े बहुत उपभोग का अधिकार है। तो धारा 35 में वही बताया गया है, ग्रामीणों के उपभोग का अधिकार। तो जैसे बहुत बड़ा भूखंड बचा हुआ है तो उस बचे हुए भूखंड का उपयोग ग्रामीण कर सकते हैं। किस उपयोग के लिए? पशुओं की चराई के लिए। जैसे ग्रामीणों के पास अगर कोई पशु है, आपके पालतू पशु है जैसे गाय भैंस बकरी ये है, तो उसे पशु चराई के लिए उसको उपयोग कर सकते हैं। गौण खनिजों के दोहन के लिए, गौण खनिज के दोहन मतलब मुरुम रेती है ना, पत्थर, ये सारे के सारे वहां से ग्रामीण उसका यूज कर सकते हैं एक निश्चित मात्रा तक। ठीक, उसके अलावा जलाऊ लकड़ी, जैसे आपका सरकार के पास दखल रहित खाली भूमि पड़ा हुआ पता मान लीजिए वो एक जंगल ही है, तो जंगल से वो जा करके वहां से जलाऊ लकड़ी जलाने के लिए लकड़ी वहां से इकट्ठा कर सकते हैं। ये सुविधा सरकार देती है, यानी ये निस्तार पत्रक में उन्हें ये चीज, ये सुविधा, ये अधिकार उन्हें दिए जाते हैं कि आप पशु चराई के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं, जलाऊ लकड़ी एकत्रित करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं, गौण खनिज मतलब रेत पत्थर आपका मुरुम ये सभी की खुदाई के लिए एक थोड़े मात्रा में, यानी उस भूमि से आप मिट्टी विट्टी कुछ गौण खनिज वहां से एकत्र कर सकते हैं। ठीक, तो ये है आपके धारा 235। अब नेक्स्ट है आपका धारा 237 एक। धारा 237 की उपधारा एक के अंतर्गत दखल रहित भूमि को पृथक, दखल रहित भूमि को पृथक करने की अधिकारिता कलेक्टर के पास होती है। दखल रहित भूमि को पृथक करने की अधिकारिता मतलब, अब जैसे ये दखल रहित भूमि है, ठीक, ये तो आबादी भूमि है, इस आबादी भूमि देखिए यहाँ पे घर बने हुए हैं, तो इस आबादी भूमि में जो है इसका प्रायोजन क्या है, इस किस उद्देश्य से आबादी भूमि दी गई है, रहने के उद्देश्य से। बचा हुआ भाग क्या है आपका दखल रहित भूमि, अब इस दखल रहित भूमि में पशु चराई कर सकते हैं, आपके गौण खनिज का दोहन कर सकते हैं, उसके अलावा जलाऊ लकड़ी एकत्रित कर सकते हैं, और भी कई कार्य किए जा सकते हैं ग्रामीणों के द्वारा। लेकिन इस दखल रहित भूमि पर जो कुछ भूमि है उसे पृथक किया जाता है कलेक्टर के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल पृथक किस प्रकार से, जैसे अब ये बची हुई, ये तो आपके आवास के प्रयोजन से हो गया, अभी जो बची हुई भूमि है जिस पर राज्य सरकार का अधिकार है, तो इस आबादी में रहने वाले लोगों के लिए पाठशाला बना सकती है, मुक्तिधाम कब्रिस्तान बनाती है, बाजार बनाते हैं, खाल निकालने के स्थान बनाते हैं, इमारती लकड़ी के लिए आरक्षित भूमि और खेल के मैदान। ठीक, इन्हीं ये जो आपके आवास में जो आबादी में जो लोग रह रहे हैं उन्हीं के लिए सरकार उनके बच्चों को पढ़ने के लिए पाठशाला बना सकती है अपने दखल रहित भूमि पे, जिन्हें पृथक किया जाता है, यानी ये ग्रामीणों के उपभोग से यह पृथक होता है, यानी इस पाठशाला के लिए जो भूमि आरक्षित की गई है उस पर कोई भी किसी भी प्रकार का कब्जा नहीं कर सकता। मुक्तिधाम या कब्रिस्तान, आबादी के रहने वाले लोगों के लिए यदि कोई किसी की मृत्यु होती है तो उसको मुक्तिधाम में जलाने की व्यवस्था या कब्रिस्तान में दफनाने की व्यवस्था की जाती है। बाजार, आप सभी को मालूम होगा कि गांव में जहां पर रहने के लिए जो आपका आबादी क्षेत्र है उससे कुछ दूरी पर, काफ़ी दूरी पर आपका बाजार अलग से लगता है, गाँव के बीच में नहीं लगता, एक अलग से बाजार के लिए भूमि अलॉट की जाती है जहाँ पर चबूतरा बना करके छोटे छोटे दुकान लगाए जाते हैं, तो बाजार की भूमि हो गई। खाल निकालने के लिए जो मोची रहते हैं तो किसी जानवरों के जो चमड़ी निकालते हैं खाल निकालने के लिए उन्हें भूमि अलॉट की जाती है, वो हो गया। इमारती लकड़ी के लिए आरक्षित भूमि, इमारती लकड़ी यानी जो आपके साल सागौन साजा बीजा जिसे फर्नीचर बनते हैं, तो ऐसे जो इमारती लकड़ी है उसका दोहन हर कोई नहीं कर सकता, तो ऐसे भूमि को सरकार आरक्षित करती है। तो वही है इमारती लकड़ियों के लिए आरक्षित भूमि और खेल के मैदान, जो बच्चों के लिए खेल के मैदान के लिए जो आरक्षित भूमि है, तो ये सारे भूमि को पृथक करने का अधिकार, अधिकारिता किसके पास है? कलेक्टर के पास है। ठीक, नेक्स्ट है धारा 241 जिसमें इमारती लकड़ी के चोरी के दंड के बारे में बताया गया, इमारती लकड़ी के चोरी के दंड के बारे में बताया गया धारा 241 के अंतर्गत। ठीक, धारा 241 के अंतर्गत आपके इमारती लकड़ी के चोरी के दंड के बारे में बताया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, यानी मध्य प्रदेश में होने वाले जो एग्जाम होते हैं जुडिशरी एग्जाम, उसमें यह प्रश्न पूछा गया है कि इमारती लकड़ी के चोरी से संबंधित दंड का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत है, तो धारा है आपका 241। जैसे अधिसूचित आरक्षित क्षेत्र, अधिसूचित आरक्षित क्षेत्र मतलब सरकार की जो दखल रहित भूमि है, ठीक, दखल रहित भूमि में कुछ क्षेत्र जैसे हमने पढ़ा यहाँ पे धारा 237 के अंतर्गत इमारती लकड़ियों के लिए आरक्षित भूमि, जैसे साल सागौन साजा बीजा, ये जो इसकी लकड़ियां होती है काफी महंगी होती है, ठीक, इसका कमर्शियल यानी वाणिज्यिक तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो इसकी तस्करी भी होती है। आपको मालूम भी होगा कि इमारती लकड़ियों जैसे चंदन की लकड़ी हो गई, साल सागौन साजा बीजा, इन लकड़ियों की तस्करी भी होती है, क्योंकि ये लकड़ी काफी महंगे बिकते हैं। ठीक, तो ऐसे जो जहां पर आपके एक साथ बहुत सारे इमारती लकड़ी उगाया गया, जैसे साल के ही वृक्ष है, सागौन के ही वृक्ष है, तो उस क्षेत्र को सरकार आरक्षित कर लेती है, यानी यदि वह सरकार के क्षेत्र में यानी दखल रहित भूमि पे है तो उस पर अधिकार सरकार का है। लेकिन यदि कोई ये आबादी क्षेत्र का कोई इंसान जा करके इस इमारती लकड़ियों की चोरी करता है तो उस कंडीशन पर उसे उससे 25,000 रुपये का दंड वसूला जाएगा। ठीक, इमारती लकड़ियों की चोरी या कंडीशन पे यदि कोई अपराधी है तो उससे 25,000 रुपये का दंड की वसूली की जाएगी। ठीक,
साथ ही साथ यदि वह इमारती लकड़ी खड़ा है या गिर गया है, गिर गया है मतलब प्राकृतिक आपदाओं से, जैसे बाढ़ आ गया या भूकंप आ गया, ठीक है, बिजली गिरने से भी कई पेड़ गिर जाते हैं, इसके अलावा आपका कोई पेड़ है जिसकी आयु हो गई तो भी वो गिर गया, खड़े वृक्ष हो या गिरा हुआ वृक्ष हो, यदि वह अधिसूचित आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत इमारती लकड़ियों में आता है तो आप उसको नहीं ले जा सकते, गिरी हुई लकड़ियों को भी आप नहीं ले जा सकते क्योंकि वो आपके अधिसूचित आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत है, उसे भी चोरी माना जाएगा, उसके लिए भी आपसे 25,000 रुपए का दंड वसूल सकता है सरकार। ठीक, देखिए नेक्स्ट है आपका आबादी, धारा 243 जिसके अंतर्गत आबादी के बारे में बताया गया है, मैं फिर से बता रहा हूं, ग्राम क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, आरक्षित भूमि जो कि निवास के प्रयोजन से नगरेतर क्षेत्र के लिए होती है, नगरेतर क्षेत्र मतलब नगर से इतर मतलब वही ग्रामीण क्षेत्र, ठीक, ग्रामीण क्षेत्र के लिए आबादी का जो भूमि है अलॉट किया जाता है। तो ये जो आबादी क्षेत्र जैसे मैंने बताया ये है आपका इधर है, ये वाला भूमि दखल रहित भूमि है, ये वाला जहाँ घर बने हुए ये आबादी भूमि है, तो ये जो आबादी भूमि है इस आबादी भूमि के लिए जो क्षेत्र है आबादी क्षेत्र ये घोषित कौन करता है? कलेक्टर। कलेक्टर के द्वारा आबादी क्षेत्र घोषित किया जाता है कि पर्टिकुलर इतना इतना क्षेत्र आपके निवास के प्रयोजन से इस ग्राम को आबादी भूमि के रूप में अलॉट किया जाता है। ठीक, अब आता है नेक्स्ट, आबादी के लिए आरक्षित क्षेत्र मतलब कौन सी भूमि को आबादी के लिए सरकार दे सकती है? पहला दखल रहित भूमि, जैसे मैंने बताया आपको 100 एकड़ की भूमि है जो कि सरकार के अंडर पर है, मतलब सरकार की, मतलब आप उसमें दखल नहीं दे सकते, कब्जा नहीं कर सकते, लेकिन सरकार यदि उसी दखल रहित भूमि में से, जैसे 100 एकड़ की भूमि है तो 100 एकड़ में से 50 एकड़ की भूमि आपको आबादी क्षेत्र के रूप में दे सकती है। ठीक, वही बताया गया दखल रहित भूमि। दूसरी अर्जित भूमि, अर्जित भूमि मतलब सरकार की, जैसे मान लीजिए कोई भूमि आपके कंपनी के पास है, कंपनी की एक बहुत बड़ी भूमि, जैसे बीएसपी की भूमि है समझ लीजिए, बीएसपी के अंडर में बहुत बड़ी भूमि है, लेकिन सरकार क्या है उसमें से कुछ हिस्सा बीएसपी से खरीद करके लोगों को रहने के लिए अलॉट कर सकती है, तो वो होता है आपका अर्जित भूमि। तो अर्जित भूमि को भी आबादी के लिए सरकार दे सकती है। घोषित कौन करेगा कौन सा भूमि आपका आबादी होगा, वो घोषित करने का अधिकार है आपके कलेक्टर के पास। अब नेक्स्ट, आबादी क्षेत्र स्थलों का निपटारा, आबादी क्षेत्र स्थलों का निपटारा मतलब यदि इस आबादी क्षेत्र संबंधित जो स्थानों का जो है, जैसे लोगों को अब कलेक्टर ने घोषित तो कर दिया कि ये भूमि आपकी आबादी की भूमि है, अब लोगों को क्या है निवास के लिए वो भूमि अलॉट होगी, लेकिन स्थलों के से संबंधित यदि कोई विवाद होता है तो स्थलों का जो निपटारा है वो कौन करेगा? कलेक्टर करेगा। यानी आबादी क्षेत्र में स्थलों के निपटारा करने का अधिकार तहसीलदार का है, सॉरी यहां मैंने कलेक्टर बोल दिया, तहसीलदार का है। आबादी क्षेत्र में यदि स्थलों के निपटारा से संबंधित यदि कोई विवाद होता है तो उस विवाद को निपटारा करने का अधिकार तहसीलदार का है। ठीक, आबादी क्षेत्रों के स्थलों के निपटारा का अधिकार तहसीलदार के पास है। नेक्स्ट है आपका धारा 248 जिसमें अप्राधिकृत रूप से कब्जा लेने के संबंधित प्रावधान है। जैसे हमने बताया आबादी क्षेत्र जो कलेक्टर घोषित करता है और लोगों के निवास के प्रयोजन से रहता है, दखल रहित भूमि जिसमें राज्य सरकार का अधिकार होता है, जिसमें लोग थोड़ी मात्रा में उसको उपयोग कर सकते हैं लेकिन इसमें सरकार अंतिम अधिकार राज्य सरकार का होता है। सेवा भूमि जैसे मैंने बताया आपका, हमने पिछले पढ़ा था सरकारी पट्टेदार और सेवा भूमि, जिस सेवा भूमि मतलब आपके एक पर्टिकुलर उस भूमि के भू राजस्व के बदले वो सरकार को अपनी सेवा देता है, जैसे पटेल का पद हो गया, कोटवाल का पद हो गया, वो क्या है अपनी सेवा देते हैं राज्य सरकार को, उसके बदले में वो किसी भी प्रकार का सरकार उन्हें वेतन नहीं देती, पटेल को उसके बदले वो उन्हें भूमि देती जिसका उनसे टैक्स वसूल नहीं करती, वही है आपकी सेवा भूमि। और नेक्स्ट है आपका धारा 237 के प्रयोजन की भूमि, धारा 237 के प्रयोजन की भूमि मतलब ये पाठशाला, मुक्ति धाम, कब्रिस्तान, तो ये धारा 237 के प्रयोजन की भूमि। ठीक, अगर ये आबादी भूमि, दखल रहित भूमि, सेवा भूमि या धारा 237 के अंतर्गत जो प्रयोजन की भूमि है उस पर यदि कोई अवैध रूप से कब्जा कर लेता है सरकार की, यदि ये जो दखल रहित भूमि है जिसमें सरकार का अधिकार है, यदि उस पर कोई कब्जा कर लेता है, किसी के सेवा भूमि पर कोई कब्जा कर लेता है, या कोई आबादी पर किसी एक के निवास स्थान पर कोई दूसरा कब्जा कर लेता है, या ये जो आपका खेल के मैदान है, खेल के मैदान पर यदि कोई कब्जा कर लेता है तो उस कंडीशन पर उसे हटाए जाने का अधिकार है तहसीलदार के पास। देखिए ग्रामीण क्षेत्र में यदि कोई भी विवाद होता है तो उसके विवाद का निपटारा कौन करेगा? यदि ऑप्शन में पूछा जा रहा है कलेक्टर करेगा, तहसीलदार करेगा, या फिर आपका पटवारी करेगा या राजस्व निरीक्षक करेगा, तो यदि वहां पर तहसीलदार दिया हुआ है और आपको उसका एग्जैक्ट आंसर पता नहीं है तो वहां पर सबसे पहले किसी भी प्रकार के विवादों का निपटारा यदि पूछा जा रहा है तो वहां पर ऑप्शन, यदि आपको एक तुक्का ही मारना है तो तुक्के के तौर पर आप तहसीलदार को ही पहला ऑप्शन मारिएगा। क्यों? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में जो भी विवाद हो रहा है उसका निपटारा कौन कर रहा है? तहसीलदार कर रहा है। लेकिन यदि राज्य सरकार और किसी
किसी भूमि के मध्य या राज्य सरकार या किसी भूधारक या राज्य सरकार या किसी व्यक्ति के मध्य यदि भूमि का निपटारा है, यहाँ कौन इन्वॉल्व हो रहा है? राज्य सरकार। तो राज्य सरकार के केस में ये विवाद का निपटारा करता है कलेक्टर। लेकिन ग्रामीण स्तर पर यदि दो लोगों के मध्य विवाद हो रहा है तो उन विवादों का निपटारा काफी जगह पर आप पढ़ते आ रहे होंगे तो वो विवाद का निपटारा या बेदखल करने का अधिकार ये सभी तहसीलदार को प्राप्त है। ठीक, यदि आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा, तुक्का मारना चाहते हैं तो ऑप्शन में यदि तहसीलदार दिया तो तहसीलदार लगाइएगा। ठीक, जुर्माना। ठीक, यदि इसने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है तो उससे 25,000 रुपये का जुर्माना वसूल सकता है तहसीलदार। अगर देखिए, आबादी भूमि, दखल रहित भूमि, सेवा भूमि या धारा 237 के प्रयोजन की भूमि, इस पर यदि किसी व्यक्ति ने कब्जा कर लिया और तहसीलदार ने उसे वहां जाकर पे उस पर कार्यवाही करके उसे पहली बार बेदखल कर दिया, उसे इस भूमि से हटा दिया, मान लीजिए खेल के मैदान की भूमि है, उस पर किसी ने अपना दुकान लगा दिया, उसे तहसीलदार ने वहां से भगा दिया, ठीक, मतलब उसे बेदखल कर दिया, तो बेदखल, प्रथम बार बेदखल किए जाने की स्थिति में पहली बार उसने कब्जा किया तो पहली बार उसको बेदखल किया तो उसे 15 दिन का जेल होगा। ठीक, प्रथम बार बेदखली की स्थिति में उसे 15 दिन का जेल होगा। लेकिन 15 दिन का जेल या कारावास काटने के बाद वो पुनः आकर के फिर से उस भूमि पर कब्जा कर लेता है तो इस कंडीशन पर जो तहसीलदार है वो बड़ी कार्यवाही करते हुए उसे 3 माह के लिए कारावास की सजा दे सकता है। ठीक, तो ये दोनों प्रावधान है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है इसका अंतिम अध्याय, धारा 19, प्रकरण यानी मिसलेनियस, जिसमें आपका धारा 255 से 264 तक कवर होता है। देखिए आखिरी अध्याय है, देखिए धारा 237, धारा 237 में बताया गया है राजस्व न्यायालय की अधिकारिता, राजस्व न्यायालय की अधिकारिता और सिविल न्यायालय का वर्जन। राजस्व न्यायालय की अधिकारिता याद होगा आपको धारा 31, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, याद रखिएगा। धारा 31 सेक्शन 31 में क्या बताया गया है, धारा 31 से बताया गया है कि किसी भी राजस्व पदाधिकारी के द्वारा यदि कोई न्यायिक कार्यवाही की जाती है तो उनके द्वारा किया जाने वाला कार्यवाही आपका राजस्व न्यायालय की कार्यवाही कहलाएगी। राजस्व न्यायालय की कार्यवाही मतलब उन्हें एक प्रकार की राजस्व जो पदाधिकारी है उनके द्वारा जो आदेश दिए जा रहे हैं, जो उनके द्वारा कार्यवाही की जा रही है, उन्हें एक प्रकार की न्यायिक शक्ति प्राप्त है, यानी उनके द्वारा किया जाने वाला कार्यवाही एक राजस्व न्यायालय की कार्यवाही माना जाएगा। ठीक, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि जैसे तलाक हो गया या शादी से संबंधित विवाद है या भूमि से संबंधित विवाद है तो उसके लिए होता है आपका सिविल कोर्ट। यदि आपका चोरी, डकैती, लूटपाट इससे संबंधित यदि कोई विवाद है तो उसके लिए होता है आपका क्रिमिनल कोर्ट। वैसे ही यदि भू राजस्व संबंधित कोई विवाद है तो उसके लिए है आपका क्या, राजस्व न्यायालय। तो ये पर्टिकुलर कोई न्यायालय नहीं है, इसमें क्या है, जो राजस्व पदाधिकारी यदि कोई आपका कार्यवाही कर रहे हैं, कार्यवाही मतलब ये तहसीलदार किसी को बेदखल कर रहा है, 3 माह का कारावास में भेज रहा है, ये है राजस्व पदाधिकारी के द्वारा किया जाने वाला आपका कार्यवाही। तो वही बताया गया है कि राजस्व न्यायालय की अधिकारिता, ठीक, यानी ये जो राज्य सरकार हो गया, राजस्व मंडल हो गया, राजस्व पदाधिकारी के अंतर्गत आपका संभाग आयुक्त आता है, कलेक्टर आता है, उपखंड अधिकारी आता है, बंदोबस्त आयुक्त आता है, बंदोबस्त अधिकारी आता है। ठीक, तो ये जो राजस्व अधिकारियों के द्वारा ये जो भी आपका राजस्व न्यायालय के अंतर्गत जो कार्यवाही किया जाएगा तो उस पर जो ये सुनवाई है सिविल न्यायालय नहीं कर सकता। मैंने आपको बताया सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, वैसे ही है आपका रेवेन्यू कोर्ट। ठीक, तो ये जो इनके द्वारा जो कार्यवाही की गई, यानी किसी को बेदखल किया गया, किसी को सजा सुनाई गई, तो इनके द्वारा की गई कार्यवाही पर जो सुनवाई है उसकी सुनवाई वही राजस्व अधिकारी या पदाधिकारी करेगा, इसकी जो सुनवाई है इसकी सुनवाई सिविल न्यायालय नहीं करेगा। धारा 237 के अंतर्गत, सॉरी यहाँ धारा 237 नहीं है, इसे करेक्ट कीजिएगा, ये है आपका धारा 257, गलती से 37 लिखा गया है। ठीक, धारा 257 के अंतर्गत बताया गया है कि राजस्व न्यायालय की अधिकारिता और सिविल न्यायालय का वर्जन, यानी यदि किसी राजस्व पदाधिकारी के द्वारा कोई भी आपका कार्यवाही किया जाता है तो उसकी कार्यवाही आपका राजस्व न्यायालय की अधिकारिता के अंतर्गत आएगा तथा इनके द्वारा की गई कार्यवाही पर सुनवाई सिविल न्यायालय नहीं कर सकता। क्या है ये, धारा 257 के अंतर्गत है। ठीक, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके अलावा ये जो राजस्व न्यायालय है हमने पढ़ा था, यानी किसी भी पदाधिकारियों के द्वारा किया जाने वाले कार्यवाही राजस्व न्यायालय माना जाएगा, किसमें बताया गया है, ये बताएगा धारा 31 के अंतर्गत, सेक्शन 31 के अंतर्गत राजस्व न्यायालय के बारे में बताया गया है।
नेक्स्ट है धारा 264। धारा 264 में बताया गया है केंद्र सरकार द्वारा धारित भूमि पर इस संहिता के उपबंध लागू नहीं होंगे। मतलब केंद्र सरकार द्वारा धारित भूमि पर इस संहिता के उपबंध लागू नहीं होंगे। जैसे आप सभी को मालूम है कि छत्तीसगढ़ में जितनी भूमि है उस भूमि पर जो अधिकार है राज्य सरकार का होगा। यानी जो भी व्यक्ति छत्तीसगढ़ की भूमि पर यदि आपका रह रहा है उसे भू राजस्व का अधिकार या छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता के जो भी उपबंध है या जो भी नियम अधिनियम है वो छत्तीसगढ़ की भूमि पर ही लागू होंगे। या जो भूधारी जो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा जो भूमि धारण कर रहा है यानी सेवा भूमि धारण कर रहा है सरकारी पट्टा धारण कर रहा है उन पर लागू होंगे। लेकिन यदि कोई व्यक्ति केंद्र सरकार से भूमि का धारण कर रहा है मतलब आप सभी को मालूम होगा कि चीन ने तिब्बत पर हमला किया था तो बहुत सारे तिब्बती शरणार्थी भारत में आए थे। तो जब भारत में बहुत सारे तिब्बती शरणार्थी आए तो उन्हें बसाए जाने के लिए अलग अलग भारत के बहुत से अलग अलग जगहों पर उन्हें बसाया गया। लेकिन आप सभी को मालूम है कि तिब्बत हिमालय पर बसा है तो वहां से आने वाले शरणार्थियों को कोई ठंडे जगह पर बसाना था तो उन्हें कई जगहों पर कई लोगों को हिमालय के किनारे ही बसाया गया और कई लोगों को पूरे भारत भर में कई ठंडे स्थानों पर आपको बसाया गया। वैसे ही हमारे छत्तीसगढ़ के मैन पार्ट आप सभी को मालूम है कि हमारे छत्तीसगढ़ का मैन पार्ट जो काफी ठंडा स्थल है पूरा का पूरा सरगुजा का अंबिकापुर काफी ठंडा स्थल है। तो जो आपके तिब्बती शरणार्थी आए तिब्बत से उन्हें छत्तीसगढ़ में भी बसाया गया। छत्तीसगढ़ के मेन पार्ट में उन्हें एक भूमि अलॉट करके उन्हें केंद्र सरकार ने बसाया। मतलब वे जो भूमि धारित किए हैं वे जो मेन पार्ट के जो शरणार्थी है उन्होंने जो भूमि का धारण किया है वो केंद्र सरकार के द्वारा धारण किया है। मतलब केंद्र सरकार द्वारा धारित भूमि है उन पर वो मेन पार्ट पर रहने वाले तिब्बती शरणार्थियों पर ये छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता के उपबंध लागू नहीं होंगे। ठीक यही बताया गया है आपके धारा 64 के अंतर्गत। तो यहाँ आपका पूरा का पूरा सेक्शन कवर होता है छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अब हमने लगभग 7 आपके पार्ट में इस वीडियो को कंप्लीट किया है। कुछ करेक्शन है उसे देखिएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि जो छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता है उसमें जो अध्याय है अध्याय की संख्या है 19, धाराओं की संख्या है आपका 264 और मैंने बताया था आपका जो अनुसूची है अनुसूचियों की संख्या मैंने बताई थी 3। ठीक इसे करेक्ट कर लीजिएगा। वर्तमान में छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता के अंतर्गत 19 अध्याय 264 धाराएं तथा आपके अनुसूचियों की संख्या है 4। ठीक अनुसूचियों की संख्या है 4। जब आपका मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के धारा 78 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता छत्तीसगढ़ विधानमंडल को हैंडओवर किया गया था उस समय आपके 19 अध्याय 264 धाराएं और यहां पे 3 अनुसूचियां थी। लेकिन अभी वर्ष 2012 में छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड यानी छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड संशोधित अधिनियम 2012 लाया गया और इस छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड संशोधित अधिनियम 2012 के द्वारा एक नया अनुसूची जोड़ा गया अनुसूची नंबर 4। तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता में 19 अध्याय 264 धाराएं और आपके 4 अनुसूचियां हैं। ठीक इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा ये प्रश्न भी आया हुआ प्रश्न है छत्तीसगढ़ सिविल जज एग्जाम में। ठीक अब देखिए नेक्स्ट करेक्शन कीजिएगा ये है आपका धारा 47। धारा 47 हमने पढ़ा है। धारा 47 में मैंने आपको बताया था अपील की अवधि यानी किसी राजस्व पदाधिकारी के द्वारा कोई आदेश जारी किया जाता है और यदि आप उससे असंतुष्ट है तो आप उससे वरिष्ठ श्रेणी के अधिकारी के पास आप अपील कर सकते हैं। तो आदेश जारी किए जाने की तारीख से कितने दिन के बाद या कितने दिन के भीतर आप अपील कर सकते हैं तो मैंने आपको बताया था ये बंदोबस्त अधिकारी आयुक्त उपखंड अधिकारी कलेक्टर आयुक्त और मंडल आयुक्त। तो जो हमारा जो वीडियो है उसे मैंने आपको ये बंदोबस्त आयुक्त के बारे में नहीं बताया था। मैंने यहां आपको बता दिया था कि जो आयुक्त है इसमें संभाग आयुक्त और बंदोबस्त आयुक्त दोनों के दोनों शामिल है लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसमें मैंने एक नया ऐड किया है यहां पे। ठीक इसे ऐड कर लीजिएगा। बंदोबस्त आयुक्त को मैंने इसमें बता दिया था आपको लेकिन यहां पर केवल एक ही आयुक्त है वो है आपका संभाग आयुक्त।
ठीक, मतलब जैसे कलेक्टर, कलेक्टर ने कोई आदेश जारी किया, यदि आप उससे संतुष्ट नहीं है तो आप किसके पास अपील कर सकते हैं, आयुक्त के पास। कितने दिन के भीतर? कलेक्टर द्वारा आदेश जारी किए जाने के 90 दिन के भीतर। ठीक, मैंने आपको बता दिया था कि ये जो बंदोबस्त आयुक्त है उसे मैंने यहाँ बता दिया था, उसे यहाँ कर लीजिएगा कि यदि बंदोबस्त आयुक्त के पास भी आपको अपील करना है, जैसे बंदोबस्त अधिकारी ने कोई आदेश जारी किया, इसके आदेश जारी किए जाने की तिथि से आप असंतुष्ट है, तो उस कंडीशन पर आप अपील कर सकते हैं किसके पास? बंदोबस्त आयुक्त के पास। कितने दिन के अवधि के भीतर? 45 दिन। मैंने आपको 60 दिन बताया था, करेक्ट कर लीजिएगा, 45 दिन है आपके बंदोबस्त आयुक्त के लिए भी, इंपॉर्टेंट है, करेक्शन जरूर कर लीजिएगा। ठीक, अब नेक्स्ट आता है आपका धारा 50। ठीक, देखिए इसे देख लीजिए, इसे करेक्ट कर लीजिएगा, जो इसमें लिखा हुआ है, जो बताया है, ये चीज़ों को करेक्ट कीजिएगा। ये बंदोबस्त आपका आयुक्त वाला है, ठीक, इसकी अवधि कितनी है? 45। मैंने आपको 60 बता दिया, यहाँ पे उसे 45 कीजिएगा। अब नेक्स्ट है आपका धारा 50। धारा 50 में बताया है मैंने पुनरीक्षण के बारे में। पुनरीक्षण मतलब होता है आपका रिविज़न, मतलब संशोधन, यानी कोई आपके राजस्व पदाधिकारी ने कोई आपका आदेश जारी किया है तो उसके वैधानिकता की जांच करने के लिए उससे वरिष्ठ श्रेणी का अधिकारी उसका पुनरीक्षण कर सकता है, उसका रिव्यू कर सकता है, उसका रिविज़न कर सकता है, यानी उस आदेश पर यदि आवश्यकता लगे तो उसका संशोधन करता है, उसके आदेश को पूरी तरीके से खारिज नहीं कर सकता, उसमें कुछ मात्रा में उसमें संशोधन किया जा सकता है। ठीक, तो देखिए मैंने आपको क्या बताया है उसमें, कि जो ये है आपका, मैंने उसमें ये बता दिया है आप लोगों को कि मंडल, मतलब राजस्व मंडल, आयुक्त और कलेक्टर, ठीक, मतलब मेरे पास जो बुक मैं प्रीफर कर रहा था उसमें यही लिखा हुआ था, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे कमेंट के थ्रू और कुछ सोर्स भेजा है उसमें जो लिखा है मैं वो बता रहा हूँ आपको। मैंने आपको बताया था कि देखिए कौन से सेक्शन की बात कर रहे हैं, धारा 50 जिसमें पुनरीक्षण यानी रिविज़न के बारे में बताया गया है। मंडल, आयुक्त और कलेक्टर केवल इन तीन पदाधिकारियों के पास ही, केवल इन तीन पदाधिकारियों के पास ही पुनरीक्षण का अधिकार है। मतलब यही जो अधिकारी है वही किसी के आदेश का पुनरीक्षण करके उसमें संशोधन कर सकते हैं। लेकिन इसे भी करेक्ट कीजिएगा, इसमें देखिए ठीक, पुनरीक्षण का अधिकार राजस्व मंडल, आपका संभाग आयुक्त, कलेक्टर, बंदोबस्त आयुक्त और बंदोबस्त अधिकारी, मैंने आपको ये दोनों के बारे में नाम नहीं बताया था, ये दोनों का ऐड कर लीजिएगा। ठीक, मतलब पुनरीक्षण का अधिकार आपका मंडल, राजस्व मंडल, संभाग आयुक्त, कलेक्टर, बंदोबस्त आयुक्त और बंदोबस्त अधिकारी, यानी बंदोबस्त आयुक्त और बंदोबस्त अधिकारी को भी आपका पुनरीक्षण का अधिकार प्राप्त है। मैंने आपको ये तीन नाम बताए थे, दो नाम और ऐड कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। पुनरीक्षण का अधिकार राजस्व मंडल, आपका संभाग आयुक्त, कलेक्टर, बंदोबस्त आयुक्त और बंदोबस्त अधिकारी, इन सभी को पुनरीक्षण का अधिकार प्राप्त है। साथ ही देखिए यहां से आयुक्त से लेकर के ये जो चार है ठीक, आदेश जारी किए जाने की तिथि से 60 दिन के भीतर इसका पुनरीक्षण किया जा सकता है। ठीक, और मंडल के कंडीशन में 90 दिन की अवधि दिया गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पुनरीक्षण के केस में पुनरीक्षण करने का अधिकार किन किन राजस्व पदाधिकारियों के पास है? राजस्व मंडल, आपका आयुक्त, कलेक्टर, बंदोबस्त आयुक्त, बंदोबस्त अधिकारी। आदेश जारी किए जाने की तिथि से कितने दिन के भीतर आप पुनरीक्षण के लिए कर सकते हैं? आप ये जो है आपका बंदोबस्त अधिकारी, बंदोबस्त आयुक्त, कलेक्टर और संभाग आयुक्त, इन चार पदाधिकारियों के केस में 60 दिन के भीतर आप कर सकते हैं। राजस्व मंडल के केस में 90 दिन के भीतर उसमें पुनरीक्षण के लिए जाया जा सकता है। ठीक, तो ये थोड़े बहुत करेक्शन थे जो PDF जिन लोगों ने लिया है उस PDF में, ये करेक्शन के साथ और आपका धारा 47, ये दो चीज मैंने ऑलरेडी करेक्ट करके डाला हुआ है। एक तो ये जो आपका सेक्शन 50 है, सेक्शन 50 शायद मैंने उसमें करेक्ट नहीं किया है, ये सेक्शन 50 को जिन लोगों ने PDF लिया है उनकी बात कर रहा हूं, केवल आपको ये सेक्शन 50 कवर करना है। और जो लोग वीडियो के थ्रू अपना नोट्स बनाते चल रहे हैं वे सभी जितने चीजें अभी मैंने करेक्ट कराई वो सारी चीजों को करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 वाला टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अब नेक्स्ट वीडियो से आपका आएगा IPC यानी इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता। ठीक, तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, किसी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।